हेलो गाइस, आज मैं आपको HTML के इस ट्यूटोरियल में बताता हूँ कि आप अपने HTML वेब पेज में फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी, है ना। तो मैं सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करता हूँ जिसमें हम लोग कोड लिखेंगे। ये है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, इसमें हम लोग कोड लिखेंगे। ये बहुत बढ़िया एडिटर है, देख रहे हो आप इसका डेमो। यहाँ विंडोज अगर है आपके पास, प्रोबेबली विंडोज ही होगा, तो उसके वो आप डाउनलोड कर लेना विंडोज के लिए। ओके, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो एक काम करते हैं, इसको खोल लेता हूँ मैं। ठीक है, ये खोला, कंट्रोल एन दबाया तो नया हमारा पेज खुल गया। और इसको पहले ही मैं सेव कर लेता हूँ। देखो इस वाले वर्क के अंदर लाइव सेशन के अंदर HTML लाइव बोर्ड, इसके अंदर मैं फॉर्म करके form.html करके इसको सेव कर लिया मैंने। ठीक है, और एक जैसे ही HTML क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक आ रहा है मेरे पास एक प्रीमेड टेम्पलेट। ओके, इसको मैं कर देता हूँ सेव। और एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस पेज को जहाँ पे मैंने सेव करा है, वैसे तो यहाँ आ गया रिसेंट फाइल, आपके भी आ जाएगा। तो अब अगर देखेंगे इसके वर्क के अंदर मैंने सेव करा था, इस फॉर्म वाले पेज को मैंने खोल लिया। एक बार देखते हैं हमारी रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। ठीक है, अब मैं इस फॉर्म को पहले एक H1 टैग से एक बार लिख देता हूं। ये किस टाइप का फॉर्म होगा? सपोज ये होगा कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म। ठीक है, एक बार यहां पे देखते हैं कि आया है कि नहीं। आ गया है। एक काम कर लेता हूँ, दोनों को साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। इससे मैं क्या करूंगा, इधर मैं कोड करूंगा और इधर रिफ्रेश करूंगा तो ऑटोमेटिक ही रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये दिख रहा होगा आपको कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म, एंड थोड़ा बड़ा भी कर लिया है। अब एक काम करता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ योर नेम। ठीक है, और इनपुट में टेक्स्ट दे देता हूँ, क्योंकि नाम जो है हमारा, नेम जो है वो टेक्स्ट होगा। इसको सेव करता हूँ और इधर मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखो ये आ गया हमारे पास फॉर्म। अब मैं ब्रेक करता हूँ नए लाइन के लिए। अब लिखता हूँ योर मोबाइल नंबर। ठीक है, इनपुट इसको नंबर दे देता हूँ। वैसे टेक्स्ट भी दे सकते हैं क्योंकि +91 भी लगाते हैं लोग, है ना, या टेल दे सकते हो। ठीक है, पर मैं टेक्स्ट देता हूँ। ये मोबाइल नंबर आ गया, यहाँ पे आ गया योर मोबाइल नंबर। अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ वापस लाइन। ठीक है, अब लिखता हूँ योर क्वेरी, यानी कि जो भी इंसान कॉन्टेक्ट कर रहा है उसकी क्या क्वेरी है। ठीक है, क्वेरी में भी टेक्स्ट लिख देता हूं और यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ नए लाइन में। ठीक है, सबमिट। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक फॉर्म हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक फॉर्म, जिसमें अपना नाम आ गया, अपना मोबाइल नंबर आ गया, अपना क्वेरी हो गया। ठीक है, चलो एक और फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, इसके नीचे बनाता हूं मैं। सपोज मेरे को एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि मेरे को, चलो इसी के अंदर बनाता हूं। मान लो मेरे को एक यूजर का डेट ऑफ बर्थ लेना है, तो लिख देता हूँ योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू डेट ऑफ, डेट के लिए तो हम डेट लिख देंगे। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। अगर किसी का आपको डेट ऑफ बर्थ लेना है तो यहाँ पे आ जाएगा कैलेंडर, जैसे क्लिक करोगे कैलेंडर आ जाएगा, वो अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब लिखता हूँ एक और फॉर्म में, मतलब एक ऑप्शन डाल देते हैं। सपोज कि वो बंदा मेल है या फीमेल है, ये कैसे चेक करें हम?
तो दो ऑप्शन है, एक तो रेडियो बटन के थ्रू चेक कर सकते हैं और एक हम ड्रॉप डाउन बटन से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ड्रॉप डाउन बटन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि बटन जो होगा सेलेक्ट होगा, ऑप्शन सॉरी ऑफ ग्रुप नहीं, ऑप्शन एक तो हम मेल ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं फीमेल, ताकि जो यूजर है वो अपना इसमें मेल और फीमेल डाल सके। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं हमने, तो ये ब्रेक करके नए लाइन में हम ये लिख देते हैं जेंडर, ठीक है। ओके, अगर मान लो यूजर से हमको जेंडर लेना है, तो यहां से हम जेंडर में उसका मेल और फीमेल पूछ सकते हैं, ठीक है। और मान लो अब क्या, चेक बॉक्स लिखते हैं कि मतलब मान लो टर्म एंड कंडीशन उसको एक्सेप्ट करना है मान लो, ठीक है। तो चेक बॉक्स के लिए आता है इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है। एक बार देखता हूँ आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पे चेक बॉक्स आ गया है। चलो इसको ब्रेक करता हूं मैं, लिखता हूं आई एग्री टू टर्म्स, ठीक है। अगर कोई टर्म होगा आपके अंदर वो, ठीक है, तो यहाँ पे ये आप टर्म एंड कंडीशन डाल सकते हैं इस हिसाब से, तो ये चेकबॉक्स भी आ जाएगा। अब आप लोगों का क्वेरी रहेगा कि ये फॉर्म जो है वो सबमिट होने के बाद कहाँ जाना चाहिए, क्या कैसे होता है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, और मैं प्रोबेबली लिंक में भी डाल दूंगा आपके, तो इससे पता चल जाएगा कि आप PHP का यूज करके इस फॉर्म को कैसे सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, मान लो उसका ईमेल लेना है मेरे को, ठीक है, योर ईमेल, ईमेल, तो यहाँ पे आता है ईमेल, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। तो जैसे ही डालोगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा ईमेल, ईमेल करने वाला, ठीक है। टर्म्स को सबसे लास्ट में लिखता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। अब मान लो किसी से उसका पासवर्ड लोगे आप, तो पासवर्ड भी वो कर सकते हो आप, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, ये टाइप है हमारा इनपुट का, इसके अंदर हम लोग पासवर्ड डाल दिए, ठीक है। दिखाता हूँ, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं हम लोगों ने क्या चाहिए, मान लो पासवर्ड चाहिए मेरे को, ठीक है। देखो ये पासवर्ड आ गया, वह रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो पासवर्ड आ गया। अब इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड क्यों लिखा अपन ने, इनपुट टाइप टेक्स्ट भी लिख सकते हो आप, पर देखो प्रॉब्लम क्या है, जब इंसान अपना पासवर्ड डालेगा ना तो दिख ही जाएगा यूजर को, देखो ये दिख जा रहा है, इसलिए हम टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नहीं पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी यूजर अपना टाइप करेगा तो उसको पासवर्ड के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। अब आता है, अब एक इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर भी ले सकते हैं, जैसे ये मोबाइल नंबर है ना, ये टेक्स्ट में है अपना, अब इसको इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर डालता हूँ एक बार। अब देखो, अब जैसे ही आप ABCD टाइप करोगे नहीं होगा, सिर्फ नंबर टाइप होगा इससे, ठीक है। तो ये मस्त सिस्टम है अपना इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर से। एक और चीज है, मान लो उसको फाइल अपलोड करनी है यूजर को, ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो मान लो योर पिक ऐसे करके अपन ने बना लिया, तो एक आता है इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। तो जैसे ये लिखोगे ना इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, तो ये जो इनपुट वाला अपना टैग है वो फाइल मतलब क्या ले रहा है अभी, टाइप, उस इनपुट का टाइप क्या है, फाइल। तो जैसे एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये देखो ये अपना फाइल खुल जाएगा, समझे। तो इतना मस्त सिस्टम है, HTML बहुत ही इजी है सीखने के लिए। HTML इज वेरी इजी टू लर्न, एंड यू आर वॉचिंग HTML बिगनर्स ट्यूटोरियल, ठीक है। तो इस तरह से आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, चाहे लॉग इन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, चाहे आप क्या बोलते हैं
अदर किसी भी कॉन्टेक्टर्स फॉर्म ये सब भी हो सकता है। अभी देखो फॉर्म के लिए अपन ने सिर्फ इनपुट इनपुट डाला है यहाँ पे अगर देखा जाए तो, है ना। फॉर्म का जो मेन टैग होता है ना वो फॉर्म होता है, ठीक है। फॉर्म से स्टार्ट होता है, फॉर्म से बंद होता है, और जितने भी बाकी सारे टैग है ना अपने सब इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, अपना कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना, बस अब सबमिट करोगे तो सबमिट हो जाएगा। ये देखो पेज पे सबमिट हो गया। सबमिट को थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ, नीचे ला देता हूँ इसको, ठीक है। आगे सबमिट नीचे। अब देखो इस फॉर्म के ना दो चीज होती है, एक होती है मेथड, एक होता है क्या एक्शन, ठीक है। अब इन दोनों का यूज मैंने उधर बता रखा है, किधर बता रखा है, जो वीडियो अगर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा उधर देख लेना आप। रिसेंटली पीएचपी और एचटीएमएल के साथ मैं फॉर्म को कैसे सबमिट करूं वो मैंने बताया हुआ है, मतलब मेल सेंड करने वाला तरीका बताया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे आप उस वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल तो ये एचटीएमएल वेब पेज में फॉर्म कैसे बनाए वो वाला था। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, मैं अब पूरा बताता हूँ। एचटीएमएल इनपुट, ये देखो देखो क्या क्या होता है, देखो क्या क्या हो सकता है। इनपुट टाइप बटन हो सकता है, चेकबॉक्स हो सकता है, कलर हो सकता है, डेट हो सकता है, डेट टाइम लोकल, ईमेल भी हो सकता है, फाइल हो सकता है, बता चुका हूँ, हिडन हो चुका हो सकता है, इमेज हो सकता है, मंथ हो सकता है, नंबर हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, रेडियो हो सकता है, रेंज हो सकता है, रिसेट हो सकता है, सर्च हो सकता है, सबमिट टेलीफोन यूआरएल वीक भी हो सकता है। इन सब पे अगर वीडियो चाहिए पूरा फुल रेफरेंस के साथ तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं सब पे ही बना दूंगा। फिलहाल ये तो मिनी वीडियो था इसलिए इसके अंदर ज़्यादा कुछ बताया नहीं मैंने आपको, है ना। सो गाइस थोड़ा सा भी 50% भी समझ में आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिससे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा मेरे को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।